हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट यूजफुल जो है स्टेशनरी प्रोडक्ट का दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर जो है उसमें बहुत सारे यार मॉडल्स आते हैं और स्पेशली ये जो मॉडल्स है वो क्या बोलते हैं, नो गारंटी नो वारंटी नो रिप्लेसमेंट नो एक्सचेंज टाइप के जो है मॉडल्स है। और कुछ जो है मेड इन चाइना है, कुछ मेड इन इंडिया है। वैसे इंडिया में भी ये सब चीज़ें बनाई जा सकती है क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। सिंपल सा एक सर्किट होता है, बाकी तो ऊपर का जो ढांचा है उसके ऊपर ही खर्चा होता है। और इसकी जो है सोलर पैनल एलसीडी पैनल जो है वही जो है सब असेंबल करके इंडिया में भी बनाया जा सकता है दोस्तों। अब इसकी सर्किट इंडिया में बनती है कि नहीं मुझे नहीं पता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये वाला मॉडल है जिसकी कीमत है 120 रुपये, और ये उसका एक कलर है। उसके बाद यहाँ पे एक और मॉडल है ब्लैक वाला जो भी 120 रुपये का है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो है स्विच वाला मॉडल है जिसकी कीमत 150 रुपये है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे पास टोटल 3 मॉडल्स हैं। और इसके पहले भी हमने यार बहुत सारे कैलकुलेटर जो है केशियो के, ओरेवा के, ओरपेट के, और यही सब चाइना के जो है, इसको आप डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं क्योंकि 512 मॉडल जो है ना ओरपेट में भी आता है, ओरेवा में भी आता है, और आई थिंक और भी 2-3 कंपनी में आता है, और यही सब ये सब जो है उसके डुप्लीकेट बनाए हुए हैं। और सभी के अंदर जो है ना 512 वाला मॉडल ही सबसे सस्ता होता है। जैसे कि ओरपेट की बात करें तो ओरपेट के इसके अलावा के जितने मॉडल्स हैं वो केशियो के प्राइस के आसपास के महंगे मॉडल्स हैं। केशियो ले लीजिए या तो फिर ओरेवा ले लीजिए, ओरेवा में भी 512 जो है सस्ता आता है, अप्रोक्सीमेटली 170 के आसपास के अंदर वो पड़ता है। ओरपेट में भी उसके आसपास में ही आपको मिल जाएगा। तो ये आप जो है ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, प्राइस में जो है प्लस माइनस होगा, बट इसकी बेस्ट बाय लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारे शॉप पे जो है ना जो बच्चे को टेम्पररी है, तो जो बिजनेस वाले को सेल्समैन को टेम्पररी कैलकुलेटर चाहिए होता है, जिनको जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो लोग जो है ना इस तरीके के कैलकुलेटर को लेके जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा एक सर्किट होता है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको खोल के भी आपको बताऊंगा, और उससे उसके अंदर आपको बैटरी कैसे चेंज करना है वो भी पता चल जाएगा, और सर्किट कितना बड़ा होता है कुछ होता ही नहीं है यार इसके अंदर। तो इसका जो है ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है ज़्यादातर लोग जो इसको गिरा देते हैं हाथों में से काम करते समय, या तो कुछ चीज़ों के नीचे पड़ा और कोई चीज़ निकालने जाए और ये गिर जाता है हाथ से, और उसमें ही जो इसका सर्किट ख़राब हो जाता है। और जिसमें कोई भी कंपनी जो गारंटी वारंटी देती है, जैसे केशियो है, ओरपेट है, ओरेवा है, तो कोई भी जो है ना सिटीज़न है, तो कोई भी कंपनी फिजिकल डैमेज में आपको कोई भी गारंटी वारंटी नहीं देंगे, और उसमें कुछ रिपेयरिंग भी नहीं हो सकता है। तो चलिए अब एक एक को खोल के बता देता हूँ। वैसे कैलकुलेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो सीरीज भी जो है मैं निकालने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके का पूरा इसका है, और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि ये ग्रीन कलर है, इसका एक कलर भी और दिखा जाता है। इसमें आई थिंक 4 कलर आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 4 कलर। और ये वाला जो है ये आप क्या बोलते हैं कि ब्राउन कलर तो नहीं बोल सकते बट बिस्किट कलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे ब्लैक, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको आपको बैटरीज चेंज करनी है तो यहाँ से आपको स्क्रू निकालने पड़ेंगे। कभी एक किसी ने जो है हमारे व्यूअर ने जो है ऐसा बोला था कि आप इसकी जो है प्लास्टिक बैग निकाल के तो दिखाइए, तो यहाँ पे चलिए इसको हम प्लास्टिक बैग निकाल के दिखा देते हैं कैसा ये दिखता है। यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, और आप अंदर खोल के जो है इसके अंदर से क्या बोलते हैं कि बैटरी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये सोलर पैनल जो है वो खाली दिखाने के लिए है, और इसमें कुछ है नहीं। यहाँ से आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगी, इसको ऑन कर दिया ठीक है, और ये ऑटो ऑफ है, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके अंदर इस तरीके से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है ना। और बाकी के जो है ये MCR, M प्लस, M माइनस, MUGT, ये सब हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फिर करेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए जैसे कि आपको आपने ऐसे कर दिया है तो आपको एक एक माइनस करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा है ठीक है, तो इसको भी हम साइड में लगा देते हैं। उसके बाद ये ब्लैक वाला हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पीछे भी जो है फंक्शंस जो है कुछ कुछ बताए हुए हैं कि ऑपरेशंस, फिर MIS इनपुट, MU मार्कअप कैलकुलेशन, 100 इक्वल्स टू कॉस्ट, 20% मार्जिन ऑन द सेल प्राइस, सेल्स प्राइस तो 100, उसके बाद MU दबा दिया, उसके बाद 20% तो आपको जो है
सेल प्राइस जो है आपको मिल जाएगा। तो MU कैसे यूज़ करता है, मार्कअप कैलकुलेशन, फिर GT प्रेस टू टाइम्स टू रीसेट द ग्रांड टोटल मेमोरी, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको और भी इंस्ट्रक्शंस जो दिए, परसेंटेज कैसे निकालना है, 100+25% तो आपको जो है 125 मिल जाएगा, और परसेंटेज क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट 25% फ्रॉम 100, ओके। तो यहाँ पे उसका भी कुछ दिखाया हुआ है, चलिए इसको खोल के दिखा देते हैं। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, टेक्स्ट कैलकुलेशन हो सकता है, और वैसे यहाँ पे लिखा तो है 1 ईयर वारंटी बट आती नहीं है। चलिए भाई, अब हमारे व्यूअर ने ऐसा बोला है कि आप इसकी प्लास्टिक बैग निकाल के दिखाइए, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे भी जो आपको बैटरी चेंज करनी है, तो ये दोनों को खोल देना है, और बाद में जो है आप यहाँ से, ये भी कोई यूज़ का नहीं है, तो यहाँ से आप इसको दबा देंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 +5, फिर यहाँ आप ऑटो रिप्ले कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो कैलकुलेशन किया हो ना, जैसे किराने की दुकान या ऐसा, तो उनका कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, 40-50 आइटम कई बार होती है, तो ये ऑटो रिप्ले करके जो है बिल को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक एक आइटम को चेक करना है, क्या क्या कैलकुलेशन किया था, क्या क्या प्राइस थे, तो वो भी किया जा सकता है। फिर टैक्स निकाला जा सकता है, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, और बाकी जो है ये MRC है, और बाकी ये प्लस माइनस रेट सेट और ये सब चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि ऐसा है, तो आपको अगर पीछे का निकालना है, चेंज करना है, तो आप इस तरीके से करेक्शन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें की जा सकती है दोस्तों। और ये जो है 120 स्टेप तक इसको चेक किया जा सकता है, मतलब 120 डिफरेंट कैलकुलेशन इसके अंदर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे तो ये जो है ना इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये 25 स्टेप तक आगे बढ़ सकता है। अब हमारे शॉप पे बिकने वाला हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये वाला ट्रांसपेरेंट स्विच वाला, और इसमें भी वाइट मॉडल जो है ना वो सबसे ज़्यादा बिकता है, बट अब अभी वो मेरे पास नहीं है। यहाँ पे इसकी कीमत है 150 रुपये, और ये सबसे ज़बरदस्त है, जो भी इसको देखता है ना, एक बार देखता है तो फिर ये सब भूल जाता है, और यही सब लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, पीछे इसके अंदर स्क्रू है, और यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और इसको जो है इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर भी जो है आई थिंक 112 स्टेप्स तक, यहाँ पे जो स्टेप्स है वो 112 तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 112 आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो है GT है, MU है, और वो सब चीज़ें, इसमें टैक्स कैलकुलेशन जो है आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको मैन्युअली जो भी टैक्स है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी डायरेक्ट टैक्स जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो बेसिक जो होता है ना वो सब चीज़ें इसके अंदर है। फिर यहाँ पे भी ऑटो रिप्ले है कैलकुलेशन, अगर आपने जैसे कि 112 आइटम्स को कैलकुलेट किया है तो आप ऑटो रिप्ले करेंगे, तो एक एक आइटम के जो भी आपने कैलकुलेशन किए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हमने बहुत सारे इस तरीके के कैलकुलेटर के अनबॉक्सिंग रिव्यू के वीडियोस बनाए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे जो है ये सब फंक्शन की को यूज़ करना है, इसके कैलकुलेशन के जो है क्या बोलते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो भी हम उसकी भी वीडियो सीरीज़ जो है हमने बना के रखी है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगा होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।